हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगी कि आपको कि पैंट स्टाइल में साड़ी कैसे वेयर करें। तो सबसे पहले हम जीन्स पहन लेंगे और इसके साथ हील्स पहनना तो बिल्कुल मत भूलिए। फिर हम पहनना स्टार्ट करेंगे साड़ी। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे प्लेट्स को बनाएंगे। मैं प्लेट्स बना रही हूँ, आप देख रहे हो। और यहाँ पर हम अदर जैसे हम साड़ी पहनते कोई भी, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर प्लेट्स ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर साइड में कपड़ा ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे प्लेट्स बनाने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि हमें अपना पल्लू कितना रखना है। पल्लू मैंने यहाँ पे मेज़र कर लिया है, देन मैंने सारी की सारी प्लेट्स को बराबर बिठा लिया है और अब मैं इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूंगी। ये बात आप प्लेट्स बनाते टाइम याद रखिएगा कि आगे की जो प्लेट होती है हमारी फ्रंट में, उसे थोड़ा सा लंबा रखिए। इससे हमारी साड़ी लुक वाइज अच्छी दिखती है। देन मैं इसे जीन्स के सेंटर से, जहाँ पे हमारी जीप होती है, वहाँ पे मैंने इसको टक कर लिया है। फिर हम नेक्स्ट हमारा ये स्टेप होगा कि जो हमने प्लेट्स को टक किया है, तो उन्हें भी, उन प्लेट्स को भी हम जीन्स के साथ सेफ्टी पिन्स के साथ ऐसे सिक्योर कर देंगे। इससे होगा हम चाहे चलें, बैठे, उठे, चाहे जो करें, यार साड़ी हमारी ख़राब नहीं होगी और हमें बार बार सही भी नहीं करना पड़ेगा। ये तो ये प्रॉब्लम साड़ी के साथ बहुत आती है यार, कि बार बार सही करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। देन मैं यहाँ पे पल्लू बनाना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं पल्लू को कंधे पे डाल लूँगी घुमा के पीछे से, और फिर हम ये जो नीचे साड़ी है उसको हम जैसे अपने पेटीकोट पे टक करते हैं साड़ी, फिर हम उसे जीन्स पे पीछे से एकदम बराबर से टक करेंगे। इससे होगा कि हमारी साड़ी नीट एंड क्लीन पीछे से दिखेगी, तो बहुत ही प्यारा लुक आता है। और इसमें झोल पीछे से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, इससे ये होता है कि साड़ी अजीब सा लुक देती है, फ्रॉक जैसा। तो यहाँ पर हमें अच्छे से एकदम चिपकी हुई साड़ी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से इसे कैसे टक कर लिया, आप मिरर में देख के कर सकते हो। एंड देन मैं अब यहाँ पे पल्लू स्टार्ट करूँगी। पल्लू में ये बात याद रखिएगा कि हम पल्लू ऊपर से जो प्लेट होती है वहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। इससे ये होता है कि हमें जितना भी पतला पल्लू चाहिए उसे हम उतना ही पतला बना लेंगे, और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ऊपर कपड़े को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। देन देखिए, मैं यहाँ पे प्लेट्स को सिक्योर कैसे बराबर से बिठाऊँगी। सारी प्लेट्स को आप बराबर बिठा लीजिए, फिर इसको एक सेफ्टी पिन के साथ ऊपर ब्लाउज पे टक कर लीजिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा पिंस की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी पिंस की नीड नहीं होती है। सॉरी, मैं पता नहीं क्या बोली, मुझे खुद नहीं पता है यार। देखिए, मेरी साड़ी यहाँ पे तैयार हो गई है, मैंने पहन ली है। बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि साड़ी कैसी लगी आपको ये स्टाइल, और आपने वेयर किया कि नहीं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मैं इसको और अच्छा और कूल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे बेल्ट वेयर कर ली। आप चाहो तो कोई भी बेल्ट वेयर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, ये मेरी चॉइस थी, तो मैंने बेल्ट लगाया। तो बेल्ट लगाने के बाद मुझे लगता है काफ़ी कूल लुक आया। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।